झंडा दिखाकर रवाना किया गया। क्या है ये? भाजपा की पूंजीवादी सामंतवादी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में जनवादी जनक्रांति यात्रा निकाली गई है। और इस यात्रा के द्वारा भाजपा ने जो पिछड़ों और पिछड़ों को गुमराह किया, दलितों को दलितों के खिलाफ गुमराह किया, उसकी गुमराहियत का पर्दाफाश करना और जो गुमराह करके वोट लेने में कामयाब हासिल की है उन सारे पिछड़े दलित वर्गों को जागरूक करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में खड़ा करना और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना। क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच? इसे पूरे पिछड़े दलित वर्ग में यह संदेश जा रहा है कि भाजपा ने जिन बातों और जिन वादों पर हमसे वोट लिया था वो सारे वादों पर बीजेपी फेल हो गई है और सारा पिछड़ा दलित वर्ग अब उस गुमराहिय से निकल गया है और वोट समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खड़ा होकर करेगा। कहाँ तक यात्रा खत्म होगी? कहाँ यात्रा खत्म होगी? आपकी यात्रा खत्म होगी लखनऊ में 14 नवंबर को। इसका पहला चरण शुरू हुआ है, अयोध्या में 31 तारीख को खत्म होगा। उद्देश्य क्या है यात्रा का? यात्रा का उद्देश्य है भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा है। भाजपा के दमनकारी नीतियों के खिलाफ, पिछड़े वर्ग दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, किसानों के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ यह यात्रा निकाली गई है और सारे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को इससे भाजपा से सजग हो जाएं और 2022 में विकासवादी और समाजवादी नीति वाले माननीय अखिलेश यादव को वोट करें और उनकी सरकार बनाएं। इस उद्देश्य के लिए यात्रा निकाली गई है। झंडी दिखाकर रवाना किया है, क्या चीज आज कार्यक्रम था ये? भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, कानून व्यवस्था ठप होना और महिलाओं का अपमानित होना, बलात्कार होना, छेड़खानी होना और हर चीज में भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के संयोजक संजय चौहान के नेतृत्व में क्रांति यात्रा बढ़िया से निकल रही है और एक महान दल के नेतृत्व में हमारा सहयोगी अखिलेश यादव के संगठन है पीलीभीत से उनका क्रांति यात्रा निकल रही है। चौथा स्तंभ पत्रकारों का हमला, इन सब बातों को ये लोग बताएंगे। सारे हमले को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है।